अभी मत छेड़िए जिक्र मोहब्बत। वाह वाह वाह, जलालुद्दीन अकबर सुन रहे हैं। लेकिन ये जो शेर सुन, ये शेर कहने के बाद मुझे लगा कि ये मैंने कुछ गलत कह दिया है। एक जलालुद्दीन के अकबर के खौफ से इश्क का इजहार बंद कर देना, ना करना अफसोसनाक है। तो मैंने फिर अपने तौर पे एक दूसरा शेर कहा, सुने के जवानियों में जवानी को धूल करते हैं, जवानियों में जवानी को धूल, जवानियों में जवानी को धूल करते हैं, जो लोग भूल नहीं करते भूल करते। क्या कहने, वाह वाह वाह, जवानियों में जवानी को धूल करते हैं, वाह वाह वाह, जवानियों में जवानी को धूल करते हैं, जो लोग भूल नहीं। देखिए मैं वादा करता हूं, आप सुन के बताएं, मैं वादा करता हूं कि मैं सुना के बताता हूं। जवानियों में जवानी को धूल करते हैं, जो लोग भूल नहीं करते भूल करते हैं, और अगर अनारकली है सबब बगावत का, सलीम हम तेरी शर्तें कबूल करते हैं। वाह वाह वाह, अगर अनारकली है सबब बगावत का, अगर अनारकली है सबब बगावत का, सलीम हम तेरी शर्तें कबूल करते हैं। सुने अर्ज कर रहा हूं कि अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है, अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है, अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है। हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है, अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है, अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है, हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है, जुर्म खुद करना और इल्जाम किसी पर धरना, कोई तमहीद वमीद वाकया वगैया नाम वाम इशारा विशारा शेर की कीमत घटा देता है। और आप जैसे लोगों के सामने जब जील मशौरा है सामईन है, तो शायर को कुछ भी कहना नहीं चाहिए। मुझे यकीन है कि मेरा शेर वहीं पहुंचेगा जहां से मैंने कहा है, अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है, हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है, जुर्म खुद करना और इल्जाम किसी पर धरना, ये नया नुस्खा है बीमार भी कर सकता है, जुर्म खुद करना और इल्जाम किसी पर धरना, ये नया नुस्खा है बीमार भी कर सकता है, और एक 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 हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है, वाह वाह वाह, एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है, और ढूंढता फिरता है तू देरो हरम में, जिसको ढूंढता फिरता है तू देरो हरम में, जिसको मूंदले आंख तो दीदार भी कर सकता, ढूंढता फिरता है तू देरो हरम में, ढूंढता फिरता है तू देरो हरम में, जिसको ढूंढता फिरता है तू देरो हरम में, जिसको मूंदले आंख तो दीदार भी कर सकता है, वो जागते रहिए, जागते रहिए की आवाज लगाने वाला, लूटने वालों को होशियार भी कर सकता है, वाह वाह, जागते रहिए की आवाज लगाने वाला लूट। मैं ये इंटीरियर ऑफ बिहार में कहीं एक मुशायरा हो रहा था सर, तो वहां एक शायर साहब पढ़ रहे थे गजल, उसकी रदीफ थी जागते रहो, तो बार बार हर शेर में आता था जागते रहो जागते रहो। तो जब पूरी गजल वो खत्म कर चुके तो एक साहब इस तरफ से उठे और उन्होंने कहा कि शायर साहब जहमत तो है लेकिन ये पूरी गजल आप एक बार खुदा के लिए फिर से सुना दीजिए। वो शायर तो मासूम होता है जैसा मैं जैसा मुनव्वर, वो मैंने सिर्फ दो का नाम लिया है, तो वो उन्होंने पूरी गजल फिर से सुना दी। जब पूरी गजल सुना दी तो इधर से एक साहब उठे, साहब तकलीफ तो होगी आपको लेकिन साहब शायर साहब एक बार पूरी गजल फिर से। तो वो शायर साहब ने पूछा कि आखिर इस गजल में ऐसी क्या खूबी है, तो कह रहे खूबी तो कुछ भी नहीं है लेकिन हमारी कॉलोनी का चौकीदार जो है वो छुट्टी पे गया हुआ। जागते रहिए की आवाज लगाने वाला, वाह वाह, जागते रहिए की आवाज, शेख मुख्तार ने भी दाद दी, जागते रहिए की आवाज लगाने वाला, लूटने वालों को होशियार भी कर सकता है। ये गजल एक, एक दो, दो तीन दो दो तीन तीन शेर है दो गजलों के।